लास्ट ईयर हम ये एक साल में अनाज और फौजी सब्जियां फल उगाने में हम सरप्लस हो गई हैं। अभी हमें सोचना है उसको मार्केटिंग करने के लिए। इसके लिए हम DGFT के साथ, एपेडा के साथ, बहुत सारे देश का एम्बेसी के साथ हम बैठे हैं। हमारा डिपार्टमेंट कौन सा देश को क्या चाहिए उसको उधर एक्सपोर्ट करने के लिए हम प्लानिंग बना रहे हैं। देश का अभी का बजट 1,31 करोड़ रुपए है। उसका हर साल नरेंद्र मोदी जी का सरकार बढ़ रहे हैं, वो तो ज़्यादा हो रहे हैं। वो सभी फायदा किसानों के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि हम 11 करोड़ किसान का खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का तहत 1,58,000 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि में योजना में डाले हैं। किसान को फायदा हो रहा है, किसान बीज खुद बीज खरीद रहे हैं, खुद पेस्टिसाइड खरीद रहे हैं, खुद फर्टिलाइज़र खरीद रहे हैं। इसीलिए किसान के मेहनत के कारण इतना हम उगा रहे हैं, इसको एक्सपोर्ट करने के लिए हम सोच रहे हैं। इसी से किसान का आय को दुगुन करना का हमारा लक्ष्य है। एंड वो तो इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, ये देश छोटे किसान का देश है, इसलिए छोटे किसान को साथ में लाना, इसके लिए किसान उत्पादक संघ बनाना, देश में 10,000 कृषि उत्पादक संघ बनाने के लिए, संस्था बनाने के लिए हम सोच रहे हैं। बहुत सारे स्टेट वाले, राज्य वाले आगे जा रहे हैं, उसको भी हम मदद करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट इसको साथ देने को हम लक्ष्य रखे हैं, उसके साथ हम काम कर रहे हैं।